एवरीवन, मैं जा रही हूँ सिंगापुर और मैं अकेली जा रही हूँ, फिर भी क्या आप लोग मेरी पैकिंग देखना चाहते हैं? ये मेरे अकेले का सामान है, मुझे नहीं पता मैं कितना लेके जा पाऊँगी, बट मैंने सब कुछ पैक कर लिया और अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं, पर अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है तो मैं इतना ही सामान लेकर जा रही हूँ। I just hate packing, पर फिर भी करनी तो पड़ती है, सभी को हो गई है। और टेंशन दूर करने के लिए मैं पी रही हूँ अभी चाय। टाइम हो रहा है 2:00 PM और मेरी रात में 11:30 फ्लाइट है और वो सुबह इंडियन टाइम 6:30 पहुँचेगी और वहाँ का 8:30। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ रख लिया है, स्टिल थोड़ा सा एप्रिहेंशन है मुझे। आई जस्ट होप चीज़ें ठीक हों। और ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन हाँ आ भी रहा है और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। अभी नहाना बाकी है और भी छोटा छोटा लास्ट मिनट जैसे चार्जर वगैरह रखना बाकी है। हल्दीराम्स की मिठाई बाकी है, मेरे दोस्तों ने स्पेसिफिकली मुझसे वो मंगवाई है और मैं लेट लतीफ़ी में अभी तक नहीं लेकर आई हूँ उसको। या तो मैं एयरपोर्ट से ही ले लूँगी, वहाँ पे उन्होंने ही मुझे बताया कि एयरपोर्ट पे मिल जाएगी, और या फिर अभी यहाँ से जाते हुए मैं देखूँगी कोई स्वीट शॉप होगी तो वहाँ पे हल्दीराम के पैकेट्स मिल जाते हैं, आई विल सी टू इट। और बाकी फ़ोन वोन सब कुछ मैंने कर लिया है, चार्ज वार्ज और उसमें रिचार्ज कर लिया है इंटरनेशनल रोमिंग का। आप सब में से किसी को मुझसे कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट मी वाया इंस्टाग्राम, जो आईडी है मेरी वो है somya.s.cocoon, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब के मेरे अबाउट पेज में जाके वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। I'll keep you all posted. Let's hope for the best. आप लोगों से बातचीत करने के बाद किसी तरह नहाया धोया, खाना खाया और बस चल पड़ी। मैं जा रही हूँ रोते रोते एयरपोर्ट। वहाँ पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके बाय। इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स की फेवरेट मूंग दाल की बर्फ़ी और डोडा बर्फ़ी ली, जिसे मैं जितना जल्दी लेना चाहती थी भैया देने में उतनी ही ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। मिठाई की शॉप से निकलने के बाद रोड रेज की वजह से ट्रैफिक जैम था, ऐसा लग रहा था कि आई विल नॉट बी एबल टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। Somehow I reached the airport, but struggle was not over yet. आप सब ने दिल्ली के इमिग्रेशन पर लंबी लाइंस की वजह से लोगों की फ़्लाइट मिस होने की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, वही इमेज मेरे भी दिमाग में थी। पिछले कई सालों से मैंने कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी है और सोलो डोमेस्टिक तो ट्रैवल किया है मगर इंटरनेशनल कभी भी नहीं। बस इसी उधेड़ बुन में मैं पहुँची एयरपोर्ट, घर वालों को जाने के पहले एक बार और देखने के लिए 2-4 लोगों को अपनी लगेज ट्रॉली से धक्का मारते माफ़ी मांगते हुए अपना टिकट और पासपोर्ट चेक करवाया, आंखें पोंछी, गहरी सांस खींची और चल दी। एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले पर अपनी सरसरी निगाहें फेरते हुए पूरे एयरपोर्ट पर दौड़ते हुए जैसे बस मुझे ही फ़्लाइट कैच करनी है। बैगेज ड्रॉप, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक वेंट स्मूथ। फिर सबको अपने सकुशल इस पड़ाव को पार करने की जानकारी दी। ड्यूटी फ्री पर सामान को एक छोटे बच्चे की तरह लालच भरी निगाहों से देखते हुए मैं पहुंची लाउंज में। वहां आराम से चाय पीने के बाद मैंने डिनर में खाया पालक पनीर, दाल चावल, क्यूकम्बर। थोड़ी देर और घर पर बात करी, पानी की बॉटल्स ली, एक ऑरेंज लिया और चल दी अपने गेट की ओर। गेट पर पहुंचते ही थोड़ी देर के बाद बोर्डिंग शुरू हुई। मैं जब सीट पर पहुंची तो सारे लगेज केबिन्स भर चुके थे। मेरी विंडो सीट थी, मेरे को पैसेंजर्स नेपाल से थी और बाकी एक और व्यक्ति थे आइल पर, सब काफ़ी हेल्पफुल थे।
स्क्रीन से फिडल करते, खाना खाते, मूवी देखते, कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला और मैं पहुंच गई सिंगापुर फिर से। जितना स्मूथ इमिग्रेशन इंडिया में था उतना ही डिफ़िकल्ट सिंगापुर में था। लगभग 20 से 25 मिनट्स अलग अलग काउंटर्स पर पूछताछ होती रही। एक पल तो ऑफिसर्स की बातों से यह भी लगा कि वो मुझे वापस भेज देंगे। इसका रीज़न सिंपल था, क्योंकि मैं सिंगापुर पूरे एक महीने के लिए आ रही थी टूरिस्ट वीज़ा पर, और इतने लंबे टाइम स्पैन में मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में था। ऑफिसर्स ने फिर मुझसे पूछताछ करने के बाद मेरे फ्रेंड से भी पूछताछ करी, जो बेचारे एक घंटे से बाहर खड़े थे। फिर सारे सवालों के जवाब से जब ऑफिसर सेटिस्फाई हुए तब उन्होंने मुझे जाने दिया। ऐसा लगा कि कोई कठिन एग्ज़ाम सालों बाद पास हो गया हो। मैं फ्रेंड्स के साथ उनके घर गई। बेचारों का ऑफिस चल रहा था, फिर भी वो काफ़ी सपोर्टिव थे। मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई, मैंने नहाया, थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को सारे दोस्त मिलकर मुझे एक बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए। वहाँ की सब चीज़ें एकदम इंडिया के टेस्ट जैसी ही थीं। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं भारत में नहीं हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जर्नी शेयर करूँगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए सौम्यास कुकून पर। अगर आपको मेरी इस जर्नी को देखने में उतना ही मज़ा आ रहा है जितना कि मुझे आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे और सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो आने तक प्यार बांटिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।